इससे आपको केकड़े को समझने में मदद मिल सकती है। ये टोक्यो में नहीं देखी यार, ये अलग ही चीज़ है भाई, ये तो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये अलग चीज़ है यार, ये जापान में नहीं देखी हमने। किस कदर बदतमीज इंसान लग रहा है ना देखने में, लेकिन है नहीं, शरीफ आदमी है। ओहो, बहुत बड़े साइज में है ये। ओए, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मगरमच्छ। जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने देखा है। पता नहीं क्या है ये, ये है पूरा, इसको साउथ अफ्रीका वाला माहौल दिया हुआ है इन्होंने। वो भी छिप कर ली, इसकी वाइफ होगी या हस्बैंड होगा। ओए, पानी के घोड़े, सी हॉर्स, ये हमारे पास आ रहा है। आओ भाई पाओ जी। बहुत तेज आ रहा है वो, उसको कुछ हो गया है। किसी के पैसे लेके भागा है या कोई इसके पैसे लेके भागा है, या इसने अभी दूसरी शादी की है और घर वालों को पता चल गया है। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. दोबारा हम एक्वेरियम जा रहे हैं, पहले जापान के गए थे, अब मेलबर्न के। आप बोलेंगे भाई मैं फेरी का सफ़र छोड़ कर आया हूँ, ये लोग मुझे दरिया में घुमा रहे थे, मैंने कहा नहीं एक्वेरियम देखना है, तो देखते हैं यहाँ क्या है। हो सकता है वही जानवर हूँ, हो सकता है कोई डिफरेंट हो। टिकट कटाओ। चलो जी, हम मेलबर्न के एक्वेरियम में इंटर हो चुके हैं। अल्लाह खैर, कोई ये अलग है यार, ज़रा डिफरेंट स्टाइल का है। ओहो हो यार, घर में इस टाइप का नहीं बना सकता आदमी, ये क्या है? केकड़ा। उफ, इतना बड़ा केकड़ा। दूसरे तो केकड़ा गिरी है, बहुत बड़ा केकड़ा है। इससे आपको केकड़े को समझने में मदद मिल सकती है। इसको कुछ और बोलते हैं, नाम भूल गया इसका, ये केकड़ों का डायनासोर है। ये क्या है, अलग टाइप की फिश है ये, ये बहुत डिफरेंट यूनिक फिश है, ये हमने जापान में नहीं देखी, ये टोक्यो में नहीं देखी यार, ये अलग ही चीज़ है भाई, ये तो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं टाइम बहुत कम है, टाइम क़यामत तक होता तो बहुत अच्छा था। ये भी वही है, वो क्या है, व्हाट्स दिस? हाँ, जो मुस्कुराती भी मच्छी थी। यार ये वो नहीं है, वही 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 है। नहीं, ये अलग टाइप की है। खैर, ये बड़ी अजीब चीज़ है भाई। चलें आगे भाई, ये तालाब के नीचे इन्होंने, अच्छा बड़े जबरदस्त, अच्छा यहाँ इन्होंने ऐसे किया हुआ है। ये देखो, ये भी कोई अलग ही है। ये देखो, तुसी देखो, इन्हों देखो तुसी, ये अलग चीज़ है यार, ये जापान में नहीं देखी हमने। कुछ वहाँ फिशेज डिफरेंट ऐसी थी जो यहाँ नहीं है, और कुछ यहाँ है जो वहाँ नहीं थी। जी, ये क्या है, ये केकड़ा है बड़ा वाला, देखना जरा इसकी आंखें। ओह क्रैब, किंग क्रैब, किंग क्रैब, या दैट्स नॉट
किस कदर बदतमीज इंसान लग रहा है ना देखने में, लेकिन है नहीं, शरीफ आदमी है ये, है बड़ा केकड़ा। ये देखो यार ये क्या है, ये पानी के अंदर कैसे, अच्छा ये नीचे इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से बच्चों के लिए ना, यहाँ से घुसो आप और इधर आ जाओ, ऐसा लगेगा जैसे बच्चे भी एक्वेरियम में। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है भाई, है की है ये हेलीकॉप्टर टाइप की चीज़, ये भी अच्छा, यहाँ भी बच्चों के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। ये तो वही है जो हमने जापान में देखी थी, आज इसको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे। ये टोक्यो में देखी हमने, बहुत सारी किस्में थी इसकी, इसको छोड़ें। ये क्या है भाई, ये इनका प्रोसेस दिखाया गया है, ये लैब है जी, पूरा प्रोसेस दिखाया है कि ये फिश कैसे बनती है और ये बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये वहाँ टोक्यो में थी मगर इस स्टाइल में नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, दूसरी तो इससे भी बड़ी है, अजीब मछली है भाई, इसके अंदर क्या कर रही है ये देखो आप। सुरंग बनाई हुई है इन्होंने, जापान में भी ये फिश थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं, ये बहुत बड़े साइज में है। शार्क है क्या है? ये देखो हाँ, क्या मजे से यार ये तैरती हैं पानी में, इसकी दुम देखो, लाइफ को फुल एंजॉय कर रही है ये। ओहो बहुत बड़े साइज में है ये, ये क्या है, यहाँ से एक मछली आ रही है, ये देखिए आगे बोल देंगे ब्लैक जो है वो शार्क, उसकी आगे नोज देखो, नोज देखो आगे, नोज खतरनाक नोज, क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेप्टाइल विद अप टू 68 टीथ, 68 दांत। आ जाओ दिखाते हैं आपको खरोखो डाई, खरोखो कहाँ है खरोखो डाई? ओए बहुत बड़ा है बे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मगरमच्छ, जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने देखा है। ओरिजिनल है लिखा हुआ था सुनील भाई कि कभी अगर इनको अपना कोई वो नहीं मिलता ना शिकार तो ये पत्थर खा के जी लेते हैं। तो यार ये तो मछलियों को नहीं छोड़ेगा, ये छोटी छोटी मछलियां घूम रही हैं तो इसके दांतों में खिलाल के काम आएंगी, इतनी छोटी छोटी खिलाते क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का हो, बहुत यूनिक चीज है यार ये क्रोकोडाइल, ये नहीं
बहुत बड़ा बदमाश है भाई। इसमें हाथ डाल के देखें, हाथ डाल के देखना पता चलेगा। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है और इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लेकिन मुझे हैरत इस पर हो रही है कि मछलियाँ इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं तो खा जाएगा नहीं? क्या कहते हैं मौलाना साहब? इसका खाना नहीं है ना, इसे खाना नहीं है। क्यों नहीं खुराक? ये तो खा लेता है, जो आए सब कुछ खा जाता है। इसका पेट भरना आसान काम नहीं है भाई। हाँ देखो यार, हाँ पूरे पूरे हिरन निकलता है, ये इतना बड़ा मगरमच्छ। ये यहाँ के एक्वेरियम में एक यूनिक चीज़ है। चलो भाई, ये पापलेट मच्छी, ये वही है जो जापान में हमने अंटी देखी थी ना, अंटी नुमान मच्छी, उससे वाली अंटी वाली नुमा मच्छी। ये बड़ी कॉमन है, हर जगह मिलेगी। ये हमने पाकिस्तान में नहीं देखी बस। ये वो एक अलग किस्म है। ये इसका कलर भी अलग है यार, इसका भी बड़ा प्यारा कलर है। चले झुलसी झुलसी। ये ब्लू फिश देखें आप, कितनी कलरफुल है, बहुत खूबसूरत। करीब से देखें, क्या खूबसूरत कलर अल्लाह ने इनमें पैदा किए। वाह, से लग रहा है बाकायदा पेंटिंग की गई है। हादा खलकुल्लाह फारूनी मादा खलकल्लदीन मिन दूनी, अल्लाह कहते हैं मेरी तख्लीक है, इसकी तुम देखो, लाओ कुछ है इस जैसा तुम भी। इसको देखकर भी जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते हैं, अल्लाह उनको आग में डाल देगा। बस अल्लाह ने कहा जो इन चीज़ों को देख के भी मेरी ज़ात पे यकीन ना लाए ना, उसके लिए जहन्नम की आग ही है। दुनिया में एक दिन बम फटा और ये बम दुनिया बन गई। क्या दुनिया में एक बम फटा और दुनिया बन गई? मैं ना छोटी छोटी चीजें देखो यार, ये कोई एथियस ने कहा है। हाँ ये देखो, कुरान में अल्लाह कहता है वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने बहुत से जिन्नात और इंसानों को जहन्नम में जलने के लिए पैदा किया है। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल हैं समझने की सलाहियत नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, ये वो लोग हैं जिनकी आँखें हैं जिनमें देखने की सलाहियत नहीं, अंधे हैं। वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊना बिहा, इनके कान हैं इस कान में हक सुनने की सलाहियत नहीं है। ये सब कुछ देख के भी इंसान कहे कि यार ये खुद बखुद धमाके के नतीजे में वजूद में आया है, ये इससे बड़ा दजल और झूठ क्या हो सकता है। अल्लाह ने कहा है ना अल्लाह को समझने के लिए सीरो फिल और जमीन में चलो फिरो। देखो यार ये क्या है,
हुई, ये अलग चीज़ है, मछली लेकिन देखें अलग चीज़ है। ये भी मछली है। हाँ जबरदस्त, ये देखो जमाइयां ले रही है, जमाइयां ये देखो, ये अलग ही डिफरेंट कलर्स हैं यार इसके, कितने खूबसूरत कलर्स हैं। هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني, ये आयत याद कर लेनी चाहिए उस सबको। अल्लाह अपनी तखलीकात दिखा के कहते हैं ये मेरी मखलूकात है जिनको मैंने बनाया, बताओ मेरे अलावा ने क्या क्या बनाया। ये देखो क्या ब्यूटीफुल कलर्स हैं यार, पेंटिंग की है, ऐसे पेंटिंग की है बाकायदा। ये देखें कांटे निकले, कांटे हैं बहुत खतरनाक, इसको कहते हैं खुरदुरी मच्छी। ऐसी थी जापान में, हमारे यहाँ जापान में ज़रा ज़्यादातर तो ऐसी थी, लेकिन कुछ वहाँ अलग सी थी, कुछ यहाँ अलग सी हैं। इसको देखो यार, स्किन देखें इसके अंदर, वेलवेट है, इसको कहेंगे चीता मच्छी, चीता मच्छी। هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني, ओड़े वाह अंदर गई, ये पत्थरों में रहने वाली मछली है मेरा ख्याल है। इनकी खुराक की क्या टाइमिंग है, कैसे खिलाते हैं इनको, वो देखना चाहिए। अरे बाप रे बाप, कैसे घुस गई भाई, ये देखो क्या मजे से जा रही है डाइट। लगाया हुआ उससे खा रहे हो क्या, ये एक और है, ये क्या कर रही है, ये देखो आप लोग मुझे, हाँ हाँ कुछ है उससे गिर रहा है मेरा खाना खराब। आप लोग मुझे लॉन्च में घुमाने ना यहाँ दरिया में मेलबर्न शहर की सैर कराने लेके जा रहे थे, टिकट भी कटा दिया था मैंने, टिकट वापस कराया है, तो मैंने लॉन्च में घूम के शहर देख के क्या करना है हमें भाई, ऐसी चीज़ें दिखाओ जिसको देखने से अल्लाह की याद ताज़ा हो और नेचर का हमें हुसन नज़र आए। ये देखो येलो देखें, हाँ ऐसा तो हमारे यहाँ जर्दे का रंग नहीं होता, कितनी खूबसूरत। इन लोगों से मैंने टिकट वापस करवाया है, ऐसा ही है ना, मुझे मेलबर्न शहर घुमा रहे थे। हाँ देखते हैं देखते हैं यार, ये इसके कलर से मेरा दिल भर नहीं रहा, इनके जो कलर्स हैं ना, सब जहनी सुकून मिल रहा है इनको देख के। अपने घर में भी कोशिश करूंगा कुछ बनवाऊं मैं, लेकिन इनको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत। ये देखिए वो अलग ही है यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह क्या स्टाइल है भाई, ये है गुस्से वाली आंटी, ये टोक्यो में भी थी, इनकी
इसके कांटे देखो आप, अल्लाह ने इनको दिफा के लिए कांटे भी दिए हैं। यानी एथियस कहता है कि धमाका हुआ था और दुनिया उस धमाके के नतीजे में मछलियों के ना अपने डिफेंस के लिए कांटे भी निकल आए। सर्जन है, डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, तब भी एथियस मतलब इतनी चार दिमाग खराब है। अल्लाह अल्लाह से ज्यादा करीब है वो, अल्लाह नहीं छोड़ेगा भाई, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, ये बता दूं मैं। खुदा का इनकार करोगे, अल्लाह कहेगा आने दो मेरे पास, मैं दोबारा मिट्टी से पैदा करके इंसान बनाऊंगा। जिसने मनी के कतरे से पानी से एक दफ़ा पानी में आँख नाक कान बना दिया ना, वो दोबारा भी ज़िंदा करेगा। उसने मैदान हशर रखा इसलिए ताकि लोगों को उनकी बदामालियों का हिसाब दे, और ख़ास तौर पर जिन्होंने उसका इनकार किया ना उनको तो छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल। गुनहगार के लिए तो तौबा है, लेकिन जो खुदा का इनकार करके दुनिया से चला गया ना उसकी खैर नहीं है। क्यों मौली साहब गलत तो नहीं कह रहा, इंतहाई शरीफ मौलाना। ये देखो आप, ये छिपकलियाँ पता नहीं क्या है, ये है मड स्किपर, कीचड़ का। यस, कीचड़ का क्या है? मड स्किपर नाम है इसका, कीचड़ में रहता है, तो शक्ल भी कीचड़ जैसी ही अल्लाह ने बना दी ताकि महफूज रह सके ये। ओए हिल रहा है, ये देखो भाई कछुआ, दुनिया का सुस्त तरीन जानवर। हिलता ही नहीं, तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। अरे कितनी मुश्किल से यहाँ देख रहे हैं आप, देखें वाह, इसका शेल टूटता ही नहीं। अल्लाह ने इसको सुस बनाया तो इसके दिफा के लिए इसको एक छतरी दे दी। बड़ा जानवर निकल लेता ना, यानी धमाका हुआ था जिससे कछुआ भी बना, उसकी छतरी भी बन गई। सब धमाके की पैदावार है, असल में तो क़यामत का धमाका जब होगा ना तो फिर वो सही धमाका होगा जिससे इन कमबख्तों को जो खुदा के मुनकर हैं दिमाग अकल आएगी। चल रहा है भाई, जा रहा है मुज़ाकरात करने, इससे कह रहे चलो कहीं तफरी पे चलते हैं। फिर बढ़ गया, उसको जाके छेड़ रहे हैं नालायक, आराम से पड़ा हुआ है अपना। इसको देखें अभी तक उसी पोजीशन में आई है, हिला नहीं। ये बच्चों के लिए क्या बनाया, देखें गुजरे नीचे से जाते हैं। चले चले आ जाओ आ जाओ, ये रहा, ये अलग मुख्तलिफ है वही टर्टल, जंगल की छिपकली। पालते हैं लोग घर पे? हाँ मैंने देखा है, पालने की चीज है नहीं है। ये देखो पूरा इसको साउथ अफ्रीका वाला माहौल दिया हुआ है इन्होंने, ऐसे जंगल बनाया हुआ है ना, बिल्कुल एनवायरनमेंट वो बनाया है। मेलबर्न नहीं चला, वो भी छिप कर ली, इसकी वाइफ होगी या हस्बैंड होगा।
नहीं देगा। दोनों में नाराजगी चल रही है मुझे लग रहा है। ये है स्टार फिश, देखो नीचे भी बैठी हुई है, चिपकी भी है, नीचे भी बैठी हुई है। क्या क्या बना दिया मेरे रब ने। ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, ये दर्रे को चमकाए जूं आफ्ताब। ओए पानी के घोड़े, सी हॉर्स, वाह इतने ज्यादा और इतने क्लियर पहली दफा देखे मैंने। इसको उर्दू में पानी का घोड़ा कहते हैं, समंदरी घोड़ा, इंग्लिश में भी सी हॉर्स। अजीब क्या मखलूक है, एक धमाके ने क्या क्या गुल दिख खिलाए हैं भाई। कैसे अजीब है यार, वाह जबरदस्त है, ना हिलता है ना जलता है खुद ही। अच्छा वो हिल रहा है, पंख हिला रहा है। ये क्या है भाई, ये डोनेशन का कोई खास तरीका है। अजी दोबारा करें, दोबारा दोबारा पैसे। अच्छा अच्छा अजी आपको बड़ी यूनिक चीज़ दिखा रहे हैं, पेंगुइन बिल्कुल एंटार्कटिका की तरह इन्होंने बर्फ का वो बनाया हुआ है, सच्ची मुच्ची की बर्फ। ये देखो बर्फ है अंदर, कैसे पड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है, ये इबादत कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि वुजू करने के बाद जो आसमान की तरफ वो करके नहीं कलमा पढ़ते। इनकी भी आप कलर तो देखें ना, ऐसे जैसे स्वेटर पहने हुए हैं, थ्री पीस सूट टाई पहनी हुई है इन्होंने। लड़ क्यों रहे हो भाई, कैसा जानवर है, कितनी शदीद सर्दी में रहते हैं। इनके लिए बर्फ़ डाली हुई है इन्होंने यहाँ ला के, टेम्परेचर को बहुत लो किया हुआ है। क्या कलर है यार, आगे चलते हैं। ये देखें ख्वाहिश होती है, इनके मुज़ाकरात However, they were quickly dethroned,
by the discovery of the emperor penguin, which we now know to be the largest penguin species on the planet. Out of a total of 13 penguin species, so it goes emperor, then king, then gentoo, and then 10 other itsy bitsy teeny penguin species. But we keep the king and gentoo penguins in this exhibit because they are both native to the sub-Antarctic islands, including Macquarie Island, which is where the ancestors of this population comes from. Now, this population has been in captivity for 4 generations, meaning that the last pair that we have seen have any more birds than was necessary. So that's really nice. Some of you might be wondering why we have our king penguins over on the left here, kind of rolled off. That is because it is currently king penguin nesting season. Penguin, pani ki billi kehte hain Urdu mein isko. The ones that are nested over are actually incubating eggs. So the male and female partners of the king penguins actually take turns incubating the eggs. लाटियां क्यों खा रहा है भाई तू? So, वो बावला हो गया बावला। स्पीड बहुत है भाई, कैमरे में पकड़ाई में नहीं आ रहा ये ज़बर, इसकी बहुत स्पीड है। किसी के पैसे लेके भागा है या कोई इसके पैसे लेके भागा है, दोनों में से एक काम तो हुआ है, या तो कोई इसके पैसे लेके भागा है या ये किसी के पैसे लेके भागा है या इसने अभी दूसरी शादी की है और घर वालों को पता चल गया है। कैमरे में ही नहीं आ रहा इतनी स्पीड है, या किसी को इम्प्रेस तो नहीं कर रहा है। हर एक विंग में टैग लगाया हुआ है, हर एक विंग में टैग लगाया हुआ है। हां चलो देखते हैं कैसे है। इसको सारे मुझे बदमाश लग रहे हैं ये। सब महल्ले के दादा घूमते हैं ना गली महल्ले में, इनको इस बर्फ में सर्दी नहीं लग रही, हैरत है यार। आओ 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 शाबाश, कहाँ जा रहा है? चले भाई हम वापस जा रहे हैं। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.